दोस्तों इट्स टाइम टू एक्शन। अगर आप थंबनेल पे क्लिक कर चुके हैं और एंट्री कर चुके हैं तो एक ऐसी कंपनी जिसका इंट्रोडक्शन मुझे नहीं देना पड़ेगा, कंसेंट्रिक्स, और एक ऐसा प्रोसेस जिसके बारे में आपने बहुत ज्यादा डिमांड करी थी। चैट प्रोसेस आपके कमेंट बोल रहे हैं, ये मैं नहीं बोल रहा। चैट प्रोसेस के अंदर भी यहाँ पे इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर ना मैं आपको फुल प्रूफ यहाँ पे एक एक चीज एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा, आपको फॉर्म कैसे अप्लाई करना है। आपको इंटरव्यू की कॉल भी आएगी यहाँ पे, जो कि आपका पूरा इंटरव्यू भी बताऊंगा किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पुटअप किए जाएंगे। तो आप इसे 100% रियल जॉब्स के अपडेट बोल सकते हो। तो कोई भी अगर 1% बोलता है कि इस वीडियो में कि कुछ भी चीजें फेक हैं, तो बहुत सिंपल सी चीज है भाई, हर एक चीज का हमारे पास प्रूफ है और आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए ये सारी चीजें आज इस वीडियो में मैं इतना ज्यादा क्यों शेयर कर रहा हूँ, आप भी सोच रहे होंगे। देखो जॉब के बारे में तो मैं पूरी वीडियो में बताऊंगा, पर आज मैं चाहता हूं इस वीडियो को जो लास्ट तक देखे ना उसको रियलिटी पता चले इस चैनल के बारे में, जॉब इंडस्ट्री के बारे में, और जॉब मिलती कैसी है, उसका प्रोसेस कैसे होता है, वो सब पता उसको चले। तो आज ये जॉब और करियर दोनों के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो अगर आप लास्ट तक देखते हैं तो आपको इतना अच्छा बेनिफिट मिलेगा कि आप खुद ही वीडियो लाइक कर देंगे मेरे बिना कहे, और कमेंट भी करके जाइएगा अपना वैल्यूएबल फीडबैक। तो विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम ऑफिशियली वेबसाइट पर चलते हैं और आपको सारी चीजें डिराइव करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो वेलकम बैक टू JBR, मैं सचिन चौहान आपके लिए लेके आ चुका हूं कंसेंट्रिक्स रिक्रूटमेंट 2022 की अपडेट। ऑफिशियली वेबसाइट आप पीछे देख रहे हैं, आपकी प्रोफाइल रहेगी एडवाइजर कस्टमर सर्विस नॉन वॉइस, जहां पे आपका चैट मेजरली प्रोसेस होने वाला है। जॉब का डिस्क्रिप्शन बहुत छोटा है पर अप्लाई प्रोसेस बहुत ज्यादा बड़ा है। तो डिस्क्रिप्शन के ऊपर बात करते हैं, क्वाइट सिंपल इन्होंने बताया है कि जो जॉब रोल है आपका कस्टमर सर्विस का होने वाला है। कस्टमर सर्विस मतलब आप डायरेक्टली क्लाइंट से डील करेंगे, इनके जो कस्टमर हैं उनसे डील करेंगे। तो क्वाइट सिंपल यार, आपके कम्युनिकेशन स्किल, आपका डिलीवरी पार्ट, और यहाँ पे आप किस तरीके से इनकी सर्विस, इनके प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, इनकी प्रोडक्ट की इतनी नॉलेज रखते हैं, वही बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब ये सारी चीज़ें आपको ट्रेनिंग के अंदर भी बताई जाएगी, पर बेसिक चीज़ें आपके पास आनी चाहिए, क्योंकि कंसेंट्रिक्स जो है वो मेजरली इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ डील करता है, तो आपके कम्युनिकेशन वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। यही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है, फ्रेशर एक्सपीरियंस दोनों अप्लाई कर सकते हैं, अंडर ग्रेजुएट एंड ग्रेजुएट दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। एक चीज़ आप समझ रहे हो, यहाँ पे जो लोग कहते हैं ना यार ग्रेजुएशन नहीं हुई हमें जॉब नहीं मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी, पर सही आपको गाइडेंस मिले तभी। मैं कहता हूँ इस वीडियो को शेयर करिए, चैनल को शेयर करिए, हेल्प करिए लोगों की, क्योंकि आपकी एक हेल्प से उसकी लाइफ चेंज हो सकती है, उसे अगर सही डायरेक्शन, एक सही अपॉर्चुनिटी मिल जाए। तो यहां पे ये BPO एक्सपीरियंस प्रेफर्ड है, मतलब अगर फ्रेशर अप्लाई कर रहा है और एक तरह एक्सपीरियंस कैंडिडेट अप्लाई कर रहा है, तो डेफिनेटली एक्सपीरियंस कैंडिडेट को वेटेज यहां पे मिलेगी, दोनों ही जो अप्लाई कर ही सकते हैं। उसके बाद यहां पे 24/7 वर्क एनवायरमेंट है, मतलब ये चीज मुझे पर्सनली अच्छी लगती है, क्योंकि हमारे जो व्यूअर्स होते हैं वो बोलते हैं सर मैं नाइट में कंफर्टेबल हूं, मैं इवनिंग में कंफर्टेबल हूं, मैं मॉर्निंग में कंफर्टेबल हूं। सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, जब आप चाहें उस टाइम पे काम कर सकते हैं। और यहां पे आप 18 प्लस हैं अप्लाई कर सकते हैं, अपर एज लिमिट यहां पे नहीं दी गई है, पर फिर भी जनरली 40-45 में थोड़ी से इशू आता है, मतलब इतने 18 से 40 तक अप्लाई कर लेते हैं जनरली, पर दी नहीं गई तो मैं एक्जैक्टली नहीं बता पाऊंगा। स्किल रिक्वायरमेंट के अंदर एक चीज है गुड वर्बल एंड रिटन कम्युनिकेशन स्किल, और सेकंड है बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होनी चाहिए, एक अच्छी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, 25 वर्ड पर मिनट बहुत नॉर्मल है, इजी हो जाती है, एक्यूरेसी 90 होनी चाहिए। मेरी भी स्पीड 32-35 है और एक्यूरेसी 96 है, तो मुझे ऐसा लगता है अगर आप एक महीने प्रैक्टिस कर लोगे आप इजीली इस स्पीड को गेन कर लोगे। तो ये था बेसिक डिस्क्रिप्शन, पर क्या इससे जॉब मिलेगी? नहीं। अब जॉब मिलेगी वो स्टेप्स है जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो आप जैसे नीचे आएंगे आपको 4-5 इंफॉर्मेशन फिल करनी है, योर नेम, योर मिडिल नेम, योर लास्ट नेम, आपका कॉन्टैक्ट नंबर सही भरना, ईमेल आईडी सही भरना, क्यों एक्सप्लेन कर दूंगा। उसके बाद आपका आएगा प्रेफर्ड जॉब लोकेशन, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये वर्क फ्रॉम होम नहीं है, इट इज़ अ वर्क फ्रॉम ऑफिस। अब आपको देखना आपके नियर बाय कौन सी लोकेशन है, नोएडा हो, मुंबई हो, कोलकाता हो, काफ़ी कमेंट करते हो कोलकाता वालों, तो लाइक जरूर करके जाना इस वीडियो को। तो यहाँ पे मेरे नियर बाय नोएडा है, मैं नोएडा सेलेक्ट कर देता हूँ। आपका प्रोसेस अप्लाइड, आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हो? हम अप्लाई कर रहे हैं एडवाइजर कस्टमर सर्विस नॉन वॉइस के लिए। अगर आपको किसी को भी लगता है यार मैं दूसरी जॉब भी कर सकता हूँ, तो आप वो भी यहाँ पे प्रेफर कर सकते हैं। उसके बाद आएगा आपका जनरल OTP आपके कॉन्टैक्ट नंबर, मोबाइल नंबर पे आएगा, आप उसको फिल करोगे। उसके बाद आपका एक और OTP आएगा आपकी मेल आईडी पे, उसके बाद आप उसे कंफर्म करोगे। तो दोनों कंफर्मेशन के बाद अब क्या होगा? अब होगा आपका फॉर्म फिलिंग। अब फॉर्म फिलिंग आप देख सकते हैं, पीछे पूरा फॉर्म है आपको फिल करना है। यहाँ पे तीन चीजें आपको अच्छे से भरनी है, बेसिक इंफॉर्मेशन आप भर दोगे, मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगा। आपको आधार, आपका आधार जो नंबर होता है, सेकंड आपका पैन कार्ड नंबर,
थर्ड वन आपको जो यहाँ पे कोविड की जो वैक्सीन लगी है उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन देनी है। आई नो काफ़ी सारे पर्सन बोलेंगे यार नहीं लगी, उसकी इन्फॉर्मेशन क्यों मांग रहे हो। कंपनी के नॉर्म से इसमें मैं और आप कुछ नहीं कर सकते, मांगा है तो देना ही पड़ेगा। तो ये तब आप सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर दोगे, उसके नीचे आप देखोगे एक चीज़ लिखी आ रही है, क्या आप अभी कंफर्टेबल हो इंटरव्यू के लिए या थोड़े दिनों बाद, थोड़े टाइम बाद। तो मैं आपसे पर्सनली रिकमेंड करूंगा आप अभी सिलेक्ट करना। आप अभी सिलेक्ट करोगे विद इन 20 मिनट्स के अंदर आपको कॉल आएगा। अभी कॉल क्या आएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। कॉल आपको एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ से आएगा, कोई एचआर के एंड से नहीं आएगा। अभी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये क्या करेगा, आपसे पहले कंफर्मेशन लेगा जो आपने फॉर्म फिल किया है, उसके बाद ये आपकी कम्युनिकेशन स्किल को जज करेगा। ये कुछ लाइन बोलेगा, बीप करने के बाद आपको 40 से 45 सेकंड मिलेंगे और आपको उसी लाइन को प्रॉपर कम्युनिकेशन के साथ एक्सप्लेन करना है, मतलब डिराइव करना है। और इस तरीके से आपके कुछ टाइम के बाद ये इंटरव्यू कंप्लीट हो जाएगा, और जैसे ही इंटरव्यू कंप्लीट होता है उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप आपकी मेल आईडी पे बता दिया जाएगा। अभी नेक्स्ट स्टेप जो है वो मैं इसलिए यहाँ पे नहीं इलेबरेट कर रहा, अगर सब मैं बता दूंगा तो आप लोग क्या करोगे, और जॉब मिलती है जो यहाँ पे कुछ प्लान करते हैं, कुछ एक्शन लेते हैं। तो इसलिए मैंने कहा था इट्स टाइम टू एक्शन, तो आप एक्शन लीजिए, डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे अप्लाई करिए और एक लाइक हमें करके जाइए और अपना वैल्यूएबल फीडबैक जरूर शेयर करिएगा। और मैं सचिन चौहान इसी तरीके से एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट कंटेंट के साथ आपसे मिलूंगा। जय हिंद दोस्तों।